सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं इंडिया की मोस्ट एक्सपेंसिव रोमांटिक मूवी राधे श्याम के रिलीज अपडेट्स के बारे में। एंड अभी रिसेंटली इसके ऊपर काफ़ी सारा लाइक र्यूमर क्रिएट हो गया था कि मूवी डायरेक्ट OTT पर आएगी, तो उसके पीछे का क्या रीज़न है एंड क्या मूवी आप लोग को OTT के ऊपर देखने को मिल सकती है या फिर नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो काइंडली वीडियो को लास्ट तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो भाई राधे श्याम मूवी जिसको 14 जनवरी को रिलीज होना था थिएटर्स के अंदर, बट भाई जो सिचुएशन क्रिएट हो गई उसकी वजह से काफ़ी बड़ी बड़ी मूवीज पोस्टपोन्ड हुई थी, लाइक RRR हो गई, राधे श्याम हो गई, एंड उसके बाद भी भाई साउथ की काफी सारी बड़ी मूवीज को पोस्टपोन करा गया था। एंड उसके बाद से भाई जो लाइक फैंस लोग हैं वो डिमांड कर रहे थे कि भाई एक नई रिलीज डेट इसकी अनाउंस करी जाए, जिससे कि भाई हम लोग को भी पता रहे कि अब हम लोग को नेक्स्ट ये जो मूवी है कब देखने को मिलेगी। एंड इन समय भाई जो RRR के मेकर्स है उन्होंने रिलीज डेट को अनाउंस भी करा हुआ है। इनफैक्ट RRR के मेकर्स ने तो 2 रिलीज डेट को अनाउंस कर भी रखा है, जो कि भाई होने वाली है 18 मार्च एंड 28 अप्रैल। मतलब कि अगर इन दोनों डेट पर सिचुएशन सही हो जाती है एंड RRR मूवी इस टाइम पर रिलीज हो जाएगी, जिसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी क्रिएट कर रखा है। एंड अब भाई राधे श्याम के साथ भी वही सिमिलर चीज हो रही थी कि फैंस लोग भाई जानना चाहते थे कि ये मूवी कब रिलीज होगी। एंड उसी में रिसेंटली ये र्यूमर्स आने स्टार्ट हो गए कि जो लाइक वैलेंटाइन वीक आने वाला है उसमें ये जो मूवी आप लोग को OTT के ऊपर देखने को मिलेगी। बट अभी रिसेंटली भाई राधे श्याम की टीम की तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन आ गया था कि भाई ये जो र्यूमर्स आ रहे हैं कि आप लोग को वैलेंटाइन वीक पे मूवी लाइक OTT के ऊपर देखने को मिलेगी, ये भी र्यूमर्स है। तो जो लाइक फैंस लोग को ऐसा लग रहा था कि भाई मेकर्स को क्या हो गया, डायरेक्ट मूवी को OTT पर ला रहे, तो ऐसा नहीं होने वाला है, मूवी आप लोग को पहले थिएटर्स में देखने को मिलेगी। एंड ये चीज अब भाई ऑफिशियल के तरफ से भी कंफर्म कर दी गई है। एंड भाई ये काफी ज्यादा बिग बजट मूवी है, जिसका लाइक अभी जो बजट बताया जा रहा है वो 350 करोड़ प्लस है। मतलब कि भाई इसको रिकवरी अगर करनी है तो इसको भाई एट द एंड थिएटर में ही रिलीज होना पड़ेगा। मेकर्स भाई इसको OTT पर अगर रिलीज करेंगे तो उनका बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं बनेगा, तो भाई मेकर्स क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। मतलब कि पहले आप लोग को मूवी थिएटर में देखने को मिलेगी, ये चीज 110% कंफर्म है। सो बात करते हैं भाई आप लोग को जो राधे श्याम मूवी वो थिएटर्स के अंदर कब तक देखने को मिल सकती है एंड मेकर्स कौन सी डेट को लाइक प्लान करके चल रहे हैं। तो अभी मेरे को भाई जितनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके अकॉर्डिंग अगर चले तो भाई जो राधे श्याम के मेकर्स हैं वो भाई इस मूवी को मार्च के एंड में लाने का प्लान कर रहे हैं, अगर भाई सब कुछ सही रहता है तो। मतलब कि अगर थिएटर्स भाई खुल जाते हैं फुल कैपेसिटी पर, जैसा भाई RRR के मेकर्स ने भी बोला था, तभी आप लोग को ये बड़ी मूवीज भाई उस टाइम पर देखने को मिलेगी। अदरवाइज आप लोग को जो राधे श्याम मूवी है वो भाई अप्रैल के बाद मई के मंथ में देखने को मिलेगी। अप्रैल में तो भाई इस मूवी के रिलीज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, बिकॉज देखो RRR के मेकर्स ने 2 रिलीज डेट बताई हुई है, जिसमें भाई 18 मार्च एंड 28 अप्रैल आता है। एंड आप लोग को पता है कि भाई अप्रैल में पहले से ही 2 बड़ी रिलीज होने वाली है, जिसमें भाई आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा एंड KGF चैप्टर 2 होने वाला है, जिनका भाई पहले से आप लोग को क्लैश देखने को मिलेगा। दैट मीन्स कि भाई स्क्रीन एकदम ना के बराबर बचेंगी। दैट्स वाई अगर राधे श्याम भाई मार्च के मंथ में नहीं रिलीज हो पाते हैं, ये आप लोग को मई के मंथ में देखने को मिलेगी, इसके चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे। बाकी जैसे इसके ऊपर और भी कंफर्मेशन मेरे को मिलेगी मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। तो आप लोग बताना कितने लोग भाई राधे श्याम मूवी का वेट कर रहे हो, बिकॉज मेरे को कब से क्वेरीज आ रही थी इसकी OTT रिलीज एंड न्यू रिलीज डेट के ऊपर, तो जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली थी मैंने आप लोग को बता दिया। तो अगर आप लोग को भाई जो वीडियो था अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस ऑफ।